नमः सिद्धिभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमिष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमिष्टि भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंतवद्ध स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी जी आज से लगभग 1900 वर्ष पूर्व हुए, उन्होंने श्रावकों के कल्याणार्थ एक सुव्यवस्थित प्रामाणिक लघु काय आचार संहिता लिखी, रत्नकरंडक श्रावकाचार। उस रत्नकरंडक श्रावकाचार के एक एक रत्न श्रावक श्राविका की आत्मप्रदेशों में विद्यमान मिथ्यात्व अज्ञान और संयम के अंधकार को त्रोहित करने में समर्थ हैं। विगत दिवस देख रही थी कारिका नंबर 39, जिसमें आचार्य महोदय ने बताया शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव जिनका श्रद्धान तत्व और अर्थ के संबंध में सुनिश्चित हो गया है, वे सम्यक दृष्टि जीव सम्यक्त के साथ दर्शन शुद्धि आदि 16 कारण भावनाओं को भाकर तीर्थंकर प्रगति को बंद करते हैं। पंच कल्याणक की विभूति एवं धर्म प्रवर्तन आत्मा का परमात्मा बनना नियामक है। सम्यक दृष्टि जीव केवल चक्रवर्ती तीर्थंकर मंडलेश्वर महामंडलेश्वर सौदमिंद्र या अहमिंद्र आदि का वैभव ही प्राप्त नहीं करते। सम्यक दृष्टि जीव नियमतः संसार सागर के पार पहुंचकर वे आत्मा के समग्र वैभव को अनंत काल तक भोगने वाले सिद्ध परमिष्टि भी होते हैं। आचार्य महोदय समंतवद्ध स्वामी जी ने 40वीं कारिका के माध्यम से यह सम्यक्त की महिमा बताई है। उन्हीं के शब्दों में देखते हैं, शिवम मजर मरुज मक्षय मव्यावादम शोक भय शंकम काष्ठागत सुख विद्या विभुवम विमलम भजन्ति दर्शन शरणः। जिन्होंने शुद्ध सम्यक दर्शन की शरण प्राप्त की है, शुद्ध सम्यक दर्शन आत्मा में होता है, अर्थात जिन्होंने आत्मा की शरण को प्राप्त किया है, उस आत्मा की शरण प्राप्त की है जिस आत्मा में सम्यक्त पैदा हुआ है, सम्यक ज्ञान पैदा हुआ है, सम्यक चरित्र पैदा हुआ है, जिस आत्मा के अंदर अन्य भी चैतन्य गुण विकास को प्राप्त हो रहे हैं, जो आत्मा चार घातिया कर्मों से अब रहित भी हो गई, वे आत्मा अपनी आत्मा में संपूर्ण स्वभाव को प्रकट करने के लिए आत्मा में लीन हो गई, ऐसे सम्यक्त को शरण प्राप्त करने वाले भव्य जीव भजंती प्राप्त करते हैं। वे सम्यक दृष्टि जीव क्या प्राप्त करते हैं? सम्यक दृष्टि जीव स्वर्ग के और मनुष्य भव के उत्कृष्ट उत्तमोत्तम वैभव को
सुदीर्घ काल तक भोगते हुए अंत में मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं, सिद्ध पद को प्राप्त करते हैं। श्रद्धान जब सदरूप होता है, ज्ञान भी सदरूप हो जाता है, चारित्र वैराग्य तप ध्यान भी सदरूप हो जाते हैं, और सदरूप इन गुणों का अनुभव करता हुआ, विकास करता हुआ वह भव्य आत्मा सिद्ध मानी श्वेत, सिद्ध अवस्था को धारण करता है, यानी आत्मा की धवलता को आत्मा में धारण करता है। ध अक्षर धारण का प्रतीक है, वह सिद्ध हो जाता है। जब श्वेतपना आत्मा में आ जाए, कर्मों के माध्यम से आत्मा में वर्ण आ रहे हैं, कलर्स आ रहे हैं, नाना प्रकार के रंग हैं, कोई काला कर्म है, कोई कर्म पीत रूप में है, लेश्या की अपेक्षा से कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापत लेश्या, पीत लेश्या, पद्म लेश्या, शुक्ल लेश्या, ऐसे कारमान वर्गणाओं में भी माना कि वर्ण होते हैं। जब ये उदय में आते हैं तो इस जीव के परिणाम बहुरंगी हो जाते हैं, और ये जीव फिर अपनी स्वभाव से चित होकर के पदार्थों से राग करने लगता है, पदार्थों से द्वेष करने लगता है, और किन्हीं किन्हीं पदार्थों में तो मोहित हो जाता है। जब ये आत्मा धर्म को धारण करता है, स्वभाव को धारण करना ही धर्म को धारण करना है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये आत्मा के स्वभाव भी हैं, धर्म भी हैं। जब इन्हें प्राप्त करता है तो वह आत्मा इनके माध्यम से शाश्वत सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। अन्य सभी पद अक्षय नहीं हैं। संसार के अन्य सभी पदों का क्षय होता है, क्षत विक्षत होते हैं, नष्ट होते हैं, ध्वस्त होते हैं, इनका वियोग होता है, संयोग होता है, किंतु सिद्ध अवस्था एक ऐसी है जो एक बार प्राप्त होती है, फिर कभी वह छूटती नहीं। तो कैसी है सिद्ध अवस्था? आचार्य महोदय बता रहे हैं, शिवम अरजम अजरम अरुजम अक्षयम। शिव का अर्थ होता है सुख, शिव का अर्थ होता है मोक्ष, शिव का अर्थ होता है शुद्धात्मा। तो ये सम्यक दृष्टि जीव, दर्शन शरण, जिसने सम्यक तो छायक सम्यक तो आदि गुणों से युक्त तो आत्मा की शरण प्राप्त की है, ऐसे भव्य जीव शिवम मोक्ष को प्राप्त करते हैं, अथवा शाश्वत सुख को प्राप्त करते हैं, अथवा आत्मा की शुद्ध दशा को प्राप्त करते हैं, अथवा आत्मा के प्रदेशों को आत्मा के प्रदेश में ही लीन कर देते हैं, अर्थात आत्मा का उपयोग स्वकीय प्रदेशों के अतिरिक्त कहीं नहीं जाता। आप कहेंगे कि कहा तो जाता है कि केवल ज्ञानी भगवान लोकालोक को देखने जानने वाले होते हैं, जब ये देखते होंगे तो उपयोग बाहर जाता होगा, जानते होंगे तो उपयोग बाहर जाता होगा, उपयोग बाहर नहीं जाता। सकल जी ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरि रज रहस्यविहीन। वे संपूर्ण पदार्थों को जानते देखते व्यवहार की भाषा है, निश्चय से अपनी आत्मा को जानते हैं, देखते हैं, उसमें लीन रहते हैं। आत्मा का उपयोग अपने आत्मदेशों के अतिरिक्त एक समय के लिए भी कभी बाहर पर पदार्थों में नहीं जाता। तो शिवत्व की अवस्था प्राप्त होती है उन्हें जिन्होंने शुद्ध सम्यक दर्शन की शरण प्राप्त की है। अजर, उन्हें अजर अवस्था प्राप्त होती है। अजर कहा जाता है जिनके जीवन में कभी जरा नहीं आए, जरा मानी बुढ़ापा। देवों को भी अजर अमर कहा जाता है, वे कभी बूढ़े नहीं होते, मृत्यु को प्राप्त तो होते हैं, फिर भी लोक रूढ़ी वशात सवरूढ़ की अपेक्षा से उन्हें अमर भी कहते हैं। तो सिद्ध भगवान अजर हैं वास्तव में और अमर हैं और शिव रूप हैं। उनके जीवन में कभी जरा नहीं आती, उनका शरीर कभी जर्जर नहीं होता, क्योंकि शरीर है ही नहीं, आत्मा ही उनकी बची बस केवल, और उनके जीवन में निर्जरा भी नहीं होती, उनके जीवन में जरा भी वैभव में कमी नहीं आती। वे अजर हैं, वे अजन्मा हैं, वे अमृतक हैं, वे नित्य सुखा
काम भोगी हैं, नित्य सुख भोगी। और कैसे हैं? अरुज। संसारी प्राणियों के शरीर में कोई ना कोई रोग लगा रहता है। 5,68,96,594 रोग, 5,68,00,000 96,584 जो रोग हैं मानव शरीर में, एक अंगुली में 96 रोग हैं। ये रोग विद्यमान रहते हैं संसारी प्राणी के शरीर में। मुक्त गामी जीव जो मोक्ष को प्राप्त कर लिया रोग नहीं होते। निद्रा आदि आना भी रोग मानो, न आना भी रोग मानो। जन्म भी एक रोग है, मृत्यु भी एक रोग है, बुढ़ापा भी एक रोग है। इसीलिए आप पूजा करते समय कहते हैं जन्म जरा मृत्यु नाश ना आए। ये तीन महारोग हैं, इनका विनाश हो जाए। बात पे तो कफ के रोग इतने भयानक नहीं होते जितने भयंकर हैं जन्म जरा मृत्यु के रोग। तो उन रोगों से रहित अवस्था होती सिद्ध अवस्था। अक्षय, सिद्धों की अवस्था अक्षय अवस्था है। उस अवस्था का कभी क्षय नहीं होता, वह अवस्था कभी विनाश को प्राप्त नहीं होती। और अव्याबाधम, सिद्धों ने जो कुछ भी प्राप्त कर लिया है वे सब ज्यों की त्यों अनंत काल तक रहेगा, उसमें कभी भी किसी प्रकार से बाधा नहीं आ सकती। उनका वैभव अव्याबाध है, बाधाओं से रहित है। और कैसे हैं? विशोक भय शंकम, विगत शोकम भयम शंकम। विशुद्ध परमेष्टि, शोक से रहते उनके जीवन में कभी क्षोभ नहीं हो सकता, शोक नहीं हो सकता, वियोग नहीं हो सकता, किन्हीं अन्य पदार्थों का संयोग नहीं हो सकता, उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं। सिद्ध परमात्मा समस्त भयों से मुक्त हैं, उन्हें कोई शंका नहीं, वे समस्त प्रकार की शंकाओं से रहित हैं, निशंक हैं। विगत शंका विशंक हैं, निशंक कहो निगता शंका या विशंक कहो विगता शंका। विभय भय से रहित अथवा निर्भय निर्भीक है, क्योंकि जब तक शंका रहती है तब तक भय रहता है और जब शंका नहीं है तो भय नहीं। आगे काष्ठागत सुख विद्या, काष्ठा, काष्ठ माने लकड़ी और काष्ठा माने चरम सीमा, कहते हैं इसकी तो पराकाष्ठा हो गई। पराकाष्ठा, परा माने उत्कृष्ट, काष्ठा माने सीमा, तो पराकाष्ठ उत्कृष्ट चरम सीमा अंतिम सीमा। काष्ठागत यानी अंतिम सीमा को गतवारी प्राप्त, उन सिद्ध परमेष्ठियों ने अंतिम सीमा को प्राप्त कर लिया है, उसके आगे कुछ और है ही नहीं। अंतिम छोर किसका? सुख विद्या, सुख का उन्होंने अनंत सुख को प्राप्त कर लिया, उस अंत सीमा को प्राप्त कर लिया, उससे आगे कोई सुख है ही नहीं, यानी संपूर्ण सुख को प्राप्त कर लिया। मोह निकर्म का क्षय होते ही वे अनंत सुख को प्राप्त करते हैं, और विद्या ज्ञानावणी कर्म का क्षय होते ही अनंत विद्या को प्राप्त कर लिया। उनकी विद्या भी कैसी है? काष्ठागत, पराकाष्ठ, चरम सीमा तक पहुंच गया उनका ज्ञान, उसके आगे और ज्ञान शेष नहीं बचा। अब आप कहेंगे कि यहां पर दो बातें ही क्यों कही? अनंतों के भी तो चार गुण होते हैं, अनंत चतुष्टय, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, तो यहाँ पर दो क्यों कहे? इन दो में ही और दो इंक्लूड कर दिए। कैसे किए? कैसे किए? जब विद्या शब्द का प्रयोग किया तो विद्या यानी ज्ञान, ज्ञान के साथ ले लिया दर्शन को। छद्मस्तों में दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है और वीतरागी सर्वज्ञ में युगपत दर्शन और ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। तो विद्या शब्द कहने से अनंत दर्शन को भी ग्रहण कर लेना चाहिए, यानी भी अनंत ज्ञान से अनंत दर्शन से सहित दर्शन की पराकाष्ठा तक पहुंच गए और ज्ञान की पराकाष्ठा तक पहुंच गए। सुख, सुख कहने से उन्होंने शक्ति को भी ले लिया, क्योंकि दुर्बल व्यक्ति अनंत सुख को भोग नहीं सकता। अनंत शक्ति, सुख भोगने के लिए अनंत शक्ति चाहिए, तो अनंत शक्ति सुख के साथ ले ली।
जब मोहनी कर्म को क्षय किया, मोहनी कर्म को क्षय करने के लिए भी अंतर कर्म का क्षयोत्सम बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, और जब मोहनी कर्म क्षय हो गया तो फिर ज्ञानावणी दशावणी के साथ अंतराय कर्म भी क्षय हो गया। मोह क्षयात ज्ञान दशावणांतराय क्षयाच केवलम, मोह के क्षय होते ही ज्ञानावरण दशावरण कर्म का क्षय हुआ और फिर अंतर ही अंतराय कर्म का क्षय हो गया। इसलिए बारहवें गुरुस्थान वाले मुनि महाराज को अनंत सुखी नहीं कहते। अनंत चतुष्टय अनंत सुख कहाँ प्राप्त होता है? केवली भगवान को, सर्वज्ञ को, वारहवें गुरुस्थान वाले को क्यों नहीं कहते? जबकि मोहनी कर्म का तो पूरा क्षय हो गया, दसवें गुरुस्थान के अंत में मोहनी कर्म का पूरा क्षय हो गया, छपक श्रेणी वाले मुनि महाराज ने क्षय कर दिया, और क्षय होते ही गुरुस्थान बारहवा हो गया और मोहनी कर्म के क्षय से अनंत सुख प्राप्त होता है, फिर बारहवें गुरुस्थान में अनंत सुख क्यों नहीं कहा? क्योंकि उस अनंत सुख को जानने के लिए अनंत दर्शन अनंत ज्ञान चाहिए, तो अनंत ज्ञान प्राप्त नहीं किया। चलो अनंत ज्ञान प्राप्त कर लिया फिर क्यों नहीं कहा? अनंत ज्ञान के साथ अनंत दर्शन भी चाहिए, बिना अवलोकन के अनंत ज्ञान होता नहीं, तो दर्शन साथ में होता है। चलो अनंत ज्ञान भी हो गया, अनंत दर्शन हो गया, तो अंतराय कर्म का क्षय होने के पूर्व उन्हें अनंत सुखी अनंत ज्ञानी अनंत दर्शन वाला क्यों नहीं कह दिया? इसलिए नहीं कहा क्योंकि अनंत ज्ञान को उपयोग करने के लिए, अनंत दर्शन का उपयोग करने के लिए, अनंत सुख को भोगने के लिए अनंत शक्ति चाहिए। अनंत शक्ति योगी तभी अनंत सुख का भोग किया जा सकता है, अनंत ज्ञान का उपयोग किया जा सकता है, अनंत दर्शन का उपयोग किया जा सकता है। तो इसलिए बारहवें गुणस्थान में अनंत चतुष्टय नहीं कहा। अंतराय कर्म का क्षय होते ही गुणस्थान तेरहवा हो जाता है, संयोग केवली जिन अनंत चतुष्टय से युक्त हो गए। तो यहाँ पर सुख शब्द कहने के साथ साथ अनंत शक्ति को भी ग्रहण कर लेना चाहिए। यही बात आचार्य महोदय यहाँ कह रहे हैं कि जिन्होंने संवत की शरण प्राप्त की है वह भव्य जीव शिवम अजरम अरुजम अक्षयम अव्यावादम विगत शोक विगत भय विगत शंका अनंत सुख अनंत विद्या अनंत दर्शन अनंत शक्ति को प्राप्त करने वाले होते हैं, विशेष भव को प्राप्त करने वाले होते हैं और निर्वृत्त कर्म मल से रहित अवस्था को प्राप्त करने वाले होते हैं, ऐसा वह प्राप्त करते हैं। इस प्रकार आचार्य महोदय ने यहाँ कहा। आज बस इतना ही, शेष बाद में फिर कभी चर्चा करेंगे। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री दयानंद जी महाराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की।